हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका कोडर्स लॉज में। तो चलिए आ ही गए हैं तो शुरुआत करते हैं अपने इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए। आज हम अपने सेकेंड वीडियो में हैं कम्पिटिटिव कोडिंग की सीरीज़ में। तो यहाँ पर हमने अपने एरे स्टैक क्यू का पहले सेशन में क्या किया था, फर्स्ट क्वेश्चन को कंसिडर किया था। अब इस वाले वीडियो में क्या करेंगे कि सेकेंड क्वेश्चन को टैकल करेंगे, ठीक है। तो चलो ओपन करते हैं इस अपने सेकेंड वाले क्वेश्चन को और देखते हैं क्या है। ये भी हमारा डिफिकल्टी लेवल ईजी है क्वेश्चन का, और ये 2D एरे से रिलेटेड है हमारा। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2D एरे समझ रहे हो ना, जैसे जो मैट्रिक्स होता है, अगर सिंपल एरे रहते हैं तो क्या होता है, एक एक ही लाइन में होता है वो एरे। लेकिन 2D एरे में क्या होता है कि वो मतलब एक लाइन में भी होता है और नीचे वाले में भी होता है, मतलब स्क्वायर शेप में बन जाता है। जैसे मैट्रिक्स जो आप पढ़ते हो ना 11th 12th में मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स को ही क्या बोलते हैं हम अपने कंपिटेटिव कोडिंग के लैंग्वेज में, चाहे फिर DSA या कोडिंग के लैंग्वेज में, 2D एरे बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या दिया हुआ है कि हमें एक 6x6 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, और उसमें क्या बोल रहा है कि जितने भी पॉसिबल आवर ग्लास हैं, मानी आवर ग्लास किसे बोल रहा है, ये जो आई वाले है ना, आई शेप में बन रहे हैं, उसे आवर ग्लास बोल रहा है। तो जितने भी पॉसिबल इसमें आवर ग्लास बनेंगे उसका समेशन फाइंड करने, एंड जिसका भी उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू होगा उसे हमें रिटर्न कराना है, मैंने वही हमारा रिजल्ट होगा इसमें, जिसका भी हाईएस्ट वैल्यू हो। तो मतलब क्या करना है हमें, बेसिकली कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा दिमाग में आ रहा होगा अभी, तो बेसिकली यही नहीं समझ में आ रहा होगा कि आवर ग्लास क्या है, तो उसे बिल्कुल हम अच्छे से अपने कॉपी पर देखेंगे पहले। लेकिन बस दिमाग में लाओ थोड़ा कि हमें करना क्या है कि इसमें जितने भी पॉसिबल आवर ग्लास होंगे उसके उसका समेशन फाइंड करना है इंडिविजुअली, और फिर उसके बाद जैसे सारे का इंडिविजुअली समेशन फाइंड करना, उसमें से जिसका भी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू होगा उसे हमें रिटर्न कराने हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमें एक यहाँ पर दिया हुआ है, देखो ये 6x6 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, और उसमें जितने भी पॉसिबल आवर ग्लास थे, 16 पॉसिबल आवर ग्लास बन रहे थे, उसका वहाँ इसने इंडिविजुअल का समेशन लिख दिया, और उसमें से पॉसिबल सबसे हाईएस्ट किसके बन रहे हैं, जिसके वैल्यू है। तो यहाँ देखो इसमें सबसे हाईएस्ट कौन है, 28 है। तो देखो 28 किससे बना है, इससे, ये आवर ग्लास से बना है ना, इसका वैल्यू देखो फाइंड करो 28 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा रिटर्न करा दिया आउटपुट में आंसर, तो इसका वैल्यू कितना होगा 20। जैसे एक और एग्जांपल दिया, इसमें इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसका है, 19 बन रहा है। कहाँ से बन रहा है, यहाँ से बन रहा है, ये देखो इस पोर्शन से, इस आवर ग्लास से, ठीक है। चलो इसका बेसिकली हम लोग अप्रोच समझते हैं अपने कॉपी में, तो और अच्छे से क्लियर होगा कि इसमें कैसे कंसिडर करना है। तो ठीक है, ठीक है, अब हम लोग इसका अप्रोच देखते हैं, ठीक है। तो अप्रोच में क्या था कि हमें क्या करना है कि हमें पता करना है कौन से आवर ग्लास का सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, मैंने जो हम अगर इसमें आवर ग्लास में देखेंगे तो उसका समेशन फाइंड करेंगे, जो भी आवर ग्लास क्या साइज, देखो इसका शेप ऐसे होता, जब हम लोग नॉर्मल आवर ग्लास होता है उसका शेप ऐसा होता, ठीक है। तो उसे हमें फॉर कन्वीनियंस आई शेप में ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें एलिमेंट इसमें फर्स्ट वाले, इसमें यहाँ से 3 एलिमेंट लेने, 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पर एक एलिमेंट को कंसीडर किया, और फिर यहाँ पर 3 एलिमेंट को कंसीडर किया, ठीक है। तो उसको हमें अगर अपने सिंपलिसिटी के लिए क्या करेंगे, आई शेप में ले लेंगे, तो यहाँ पर एक 3 एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक एलिमेंट को कंसीडर कर लेंगे, और यहाँ पर एक 3 एलिमेंट को कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। 1 2 3 ऊपर में 1 2 3, और एक यहाँ पर 4, ठीक है। तो अब हम लोग जब इसको हमें क्या और भी क्या गिवन है कि 6x6 का ही हमें मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा, ये भी फिक्स है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, अब इसमें आवर ग्लास बनाओ, कैसे बनाओगे, सबसे पहला तो ये बनेगा ना हमारा, ये देखो ये बना सबसे पहला आवर ग्लास हमारा, ठीक है। अगर उसी तरह दूसरा बनाओगे तो दूसरा क्या बनेगा, यहाँ से चल लो, ये बनेगा ना हमारा दूसरा, देखो देख रहे हो, आई हमें बनाने चल रहा है, आई बनाएगा हम और अपने आवर ग्लास को आई में कंसीडर कर लेंगे तो हमें ज़्यादा ईजी होगा, ठीक है। अगर उसी तरह करेंगे तो फिर एक आगे शिफ्ट हो जाओ, फिर कौन सा बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा, यहाँ से आ जाओ, ये ऐसे आई बना दो, ठीक है। और आगे फिर बढ़ेंगे तो वो लास्ट वाला है, और ये 3 को कंसीडर करते हुए आगे बढ़ जाएगा। उसी तरह अगर हम नीचे में आएंगे तो नीचे में कौन सा बनेगा मेरा, ये ऐसे 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 आई बनाना है, सिंपली देख लो आई बनना। अब इसमें देखो ध्यान से देखो कि हमें करना क्या है, ठीक है, आई बना रहा है इसमें, तो हमने आई मतलब किसी का आवर ग्लास को ही आई में कंसीडर कर लिया, वहाँ पर इसने वही किया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि ये हर एक आई का वैल्यू का हमें समेशन फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, समेशन फाइंड करना है, और उसमें से भी हमें क्या बताना है कि किसका सबसे हाईएस्ट है, क्या है हाईएस्ट हमें बताना है। तो देखो हर एक आई का हमने वैल्यू निकाला, फर्स्ट वाले में कितने आई बनेंगे, अगर फर्स्ट में अगर 3 3 का पेयर बनाओगे, अगर 6 दिया हुआ है तो 1 3 का बनाया, फिर यहाँ से आगे बढ़ा, फिर 1 3, फिर यहाँ से आगे बढ़ा, फिर 1 3, फिर यहाँ से एक आगे बढ़ा, फिर 1 3, तो 1 2 3 4 चार तक गए, क्योंकि हमें 3 का लेना है ना, अगर इसके आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ से 3 का पेयर बन रहा है नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो मैक्सिमम कितना बन रहा है, 4, तो हम 4 बना सकते थे, तो 4 हमने बना दिया था। ये फर्स्ट वाला आई का कितना वैल्यू, माइनस कर दी, उसी तरह -34, फिर -12, फिर -9, और यहाँ पर 12, ठीक है। उसी तरह हमने हर एक जितने भी पॉसिबल आई थे, जिसमें भी हमारे पॉसिबल जितने आवर ग्लास बन रहे थे, हमने बना दिया, ठीक है। तो सारे का वैल्यू हमने एक एक करके निकाल दिया, ठीक है, सारे का वैल्यू मतलब आई में जितने भी एलिमेंट है उसका समेशन, ठीक है। अब उसमें हमें पता करना है कि इसमें हाईएस्ट कौन है, एक स्टेप और बच रहा है कौन, हाईएस्ट। अब इसमें सबसे हाईएस्ट देखो कौन है, तुम्हें कौन सा दिख रहा है, 25 दिख रहा है जी हमें,
अच्छा 28 भी है, चलो ठीक है 28, इससे बड़ा तो कोई नहीं है ना, नहीं तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए 28, तो ठीक है हमने रिजल्ट में देखा था हमारे 28 वैल्यू भी था, ठीक है। तो हमें यही करना है, क्या करना, पहले हर एक का जो भी हमारा आई फॉर्मेट है उसका समेशन निकालना है, और हर एक जितने भी समेशन जितने भी आई का वैल्यू था उसमें से हमें हाईएस्ट वैल्यू को निकालना है, ठीक है। तो इसका ये अप्रोच था। अब अगर इसमें कोड में अगर हम इसे इंप्लीमेंट करना चाहते हैं कैसे कैसे कर सकते हैं, सोचो दिमाग लगाओ कैसे कर सकते हैं, क्या करेंगे कि हम अपने ये हमारा मैट्रिक्स है ना, एक एक फॉर लूप में आई में ट्रैवर्स करेंगे, आई में ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है, और फिर इसी के अंदर एक फॉर लूप लगाएंगे जो कि जे कॉलम के लिए होगा, उसमें ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है। अब जब हम जे में ट्रैवर्स करेंगे, आई में एक बार ट्रैवर्स किया, जे में कितने बार, चार बार ट्रैवर्स करेंगे, इसमें चार बार, और आई में कितने, तो यहाँ भी तो चार ही बार जा पाएंगे ना, क्योंकि हमें आई बनाना था। जब यहाँ पर आएंगे इसका इसका जब हम आई बनाएंगे तो इसका तो बन गया चार तक, लेकिन अगर जब हम इस वाले पॉइंट पर आएंगे तो इसका आई बना पाएंगे हम, नहीं ना बना पाएंगे, क्योंकि नीचे में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो मैक्सिमम यहीं तक हम जा सकते थे। यहाँ कितना होगा 1, 2, 3 और 4, चार ही होगा ना, तो आई भी कितना बार ट्रैवर्स करेंगे, चार बार ट्रैवर्स करेंगे। और देखो अब जे में जब हम ट्रैवर्स करेंगे तो एक बार क्या करेंगे कि इसका पूरे का समेशन निकालेंगे, और वो जो समेशन निकलेगा हमारा उसको क्या करेंगे, वो जो समेशन निकलेगा और फिर उसको हम एक अपने से जैसे मान लो एक फाइनल रिजल्ट बनाएंगे, क्योंकि हमें हाईएस्ट भी तो फाइंड करना है ना, तो उसको क्या करेंगे एक फाइनल रिजल्ट होगा हमारा, और यहाँ पर जो समेशन होगा उसको क्या करेंगे कि फाइनल रिजल्ट से हमेशा कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, उसमें क्या करेंगे मैक्स फंक्शन लगा के अपने अपने जो भी रिजल्ट होगा जो समेशन होगा उसको कंपेयर करेंगे, और उसमें जो भी हाईएस्ट वैल्यू होगा उसमें डालते जाएंगे उसी समय, ताकि हमारा जो कोड हो वो ऑप्टिमाइज हो सके, ठीक है। तो चलो अब इसका कोडिंग पार्ट को हम लोग देखते हैं अपने एडिटर पर। तो चलो ठीक है, अब हमने अप्रोच तो समझ लिया, अब अपने कोडिंग पार्ट को देखते हैं, ठीक है। यार देखो कोडिंग पार्ट को देखने से पहले तुम थोड़ी देर का पॉज लो और खुद से इंप्लीमेंट करने का ट्राई करो कि जो हमने अप्रोच वहाँ पर समझा उसे तुम खुद कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, और खुद इंप्लीमेंट करो अगर हो जाए तो ठीक, और नहीं हो फिर भी आओ यहाँ पर देखो और फिर उसे हम कैसे इंप्लीमेंट करें, क्योंकि उससे तुम्हारा मतलब थिंकिंग पावर बढ़ेगी कि जो हमने समझ तो लिया कोड को, जो क्वेश्चन का था जो मतलब प्रॉब्लम था उसे टैकल तो कर लिया, उसका अप्रोच तो सोच लिया, लेकिन वो फिर भी इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो कोड में, तो ठीक है तो उसे इंप्लीमेंट करने का कैसे इंप्लीमेंट करते हैं कोड में तो वहाँ सीख लेना, लेकिन उससे पहले क्या करो कि एक बार पॉज लो और अपने कोड को खुद से ट्राई करो, ठीक है। चलो शायद तुम लोगों ने कर लिया होगा, अब मैं अपने कोड को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो यार देखो हम ना एडिटर पर आ जाते हैं, ठीक है। तो एडिटर पर जब हम यहाँ पर हम आ रहे हैं तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर पहले से ही बहुत सारे कोड लिखे होते हैं, ड्राइवर कोड होते हैं, मैंने पहले वीडियो में बनाए थे, दूसरे वीडियो है, तो ये ड्राइवर कोड होते हैं और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े कोड लिखे हुए हैं, लेकिन उससे हमें टेंशन नहीं लेनी है और उसे हमें देखने भी नहीं है, इग्नोर करनी, क्योंकि जब देखोगे कुछ कुछ बातें समझ नहीं आएगी तो लगेगी यार ये क्या दिया या नहीं दिया है, तो फिर उससे दिक्कत होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसको टेंशन नहीं, उसको इग्नोर करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर जो मतलब ध्यान देने वाली बातें होती है क्या होती है, हमें वो फंक्शन देखनी होती है कि कहाँ पर हमें अपने कोड को लिखना है। तो यार यहाँ पर देखो वो गैप नज़र आ जाएगी, और यहाँ पर ये देख रहे हो एरर का साइन, वो हमें नज़र डिनोट कर देता है कि हमें कहाँ पर अपने कोड को लिखना है, कौन से फंक्शन में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन के उस समय देखो एक भी और पिछले वीडियो में मैंने समझाया था कि टाइप देख लेना होता है, टाइप यहाँ पर क्या दिया इंट टाइप दिया होता है, हमें रिटर्न भी इंट में कराने को, ठीक है। तो हमें समेशन, ठीक है, हमने तो देख लिया कि हमें क्या फाइनल सम को रिटर्न करना था, ठीक है, तो हम अपने रिटर्न जो हमारे सम है उसको क्या इंट टाइप बना लेंगे, जो वेरिएबल बनाएंगे उसको क्या करेंगे इंट टाइप, तो इंट टाइप एक मिनट इंट हो गया, इंट क्या उसे रिजल्ट बना लेते हैं। अच्छा अब देखो रिजल्ट को इनिशियलाइज भी तो करना जरूरी है ना, तो इनिशियलाइज क्या करेंगे हम जितने भी उसका सबसे हाईएस्ट जो मिनिमम पॉसिबिलिटीज हो क्या होते हैं माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी जब हम अपने कोडिंग में देखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं इंट मिन से डिनोट करते हैं, किसे डिनोट करते हैं इंट मिन, किससे इंट मिन, इंट मिन से क्या होता है हमें माइनस इन्फिनिटी तक ले जाता है वैल्यू को, तो रिजल्ट को हम सबसे छोटा वैल्यू ले लेंगे, सबसे जितने भी पॉसिबल छोटा वैल्यू में, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे थे हम देख रहे थे कि दो फोर लूप लगाए थे, क्योंकि मैट्रिक्स जब भी अगर मैट्रिक्स वाले प्रॉब्लम्स हो ले तो उसमें दो लूप लगेंगे, एक रो को ट्रैवर्स करेगा एक कॉलम को ट्रैवर्स करेगा, ठीक है। तो रो के लिए क्या कर लेते हैं फोर इंट आई से हम रो को ट्रैवर्स कर लेंगे आई जीरो। अच्छा एक चीज़ और बताया था मैंने कि कितने पॉसिबल हो सकते हैं, हम कितने बार जा सकते हैं, तो चार ही बार जा रहे थे ना, तो जीरो से स्टार्ट किए तो लेस देन फोर, ठीक है, समझ रहे हो ना बात, और फिर देखो इसमें क्या करना है, और फिर ये तो हो गई हमारी एक, इसमें सिर्फ रो में ट्रैवर्स कर रहे हैं, अब हमें क्या करना है कॉलन में भी ट्रैवर्स करनी है, तो कॉलन में भी ट्रैवर्स कर लेंगे। चलो तो कॉलन में ट्रैवर्स करने के लिए हम उसको जे वेरिएबल से डिनोट कर देते हैं, तो जे, और जे भी कहाँ तक जाएगी, ये भी चार तक ही जाएगी ना, क्योंकि पॉसिबल चार ही, हमें आई बनाने रहते थे तो आई कब बनेंगे, जब लास्ट वाला जो दो है उससे तो आई बन नहीं रहा था, क्योंकि नीचे वाला पार्ट, क्योंकि हमें कभी भी तीन चाहिए, दोनों तरफ से तीन चाहिए, तो नीचे वाला में जब दो बच रहे थे तो तीन उसका तो हो नहीं पा रहा था, ठीक है। तो हमें यहाँ भी चार तक ही जाएंगे, ठीक है, तो जे को भी इंक्रीमेंट करा दिया, ओके। अब हम देख लिए यहाँ से रो में ट्रैवर्स कर लिए, यहाँ कॉलन में ट्रैवर्स कर लेंगे। अब देखो कि जब हम कॉलन में ट्रैवर्स करेंगे तो हमें क्या फाइंड करना था, सम फाइंड करना था, हर एक इंडिविजुअल जो भी आवर क्लास बन रहे थे उसका हमको सम फाइंड करना था, ओके, ठीक है। तो सम कैसे फाइंड करेंगे, इंट एक हमने वेरिएबल बना लिया सम नाम का, और उसमें हम उसको स्टोर करेंगे। अब देखो
जो आवर क्लास था उसका किस तरह का शेप था, आई का शेप था। तो आई का शेप बनाने के लिए हमें यहाँ पर वही हमें ध्यान देना है कि आई का शेप बनेगा कैसे, उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो मेरा तुम यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है, जो मैं लिख रहा हूँ जैसे जैसे ट्रैवल, हमें क्या करना है कुछ पॉइंट को करना है। अगर एरे तुम देख रहे हो तो उसका पोजिशन क्या होता है, दो फॉर्मेट में आई और जे फॉर्मेट में। तो देखो ये आई फॉर्मेट हो गया पहला एलिमेंट पहला वाले को, और ये जे टारगेट किया दूसरे वाले को, ठीक है, समझ रहे हो। अगर हमको और फिर उसके बाद वाला, क्योंकि ऊपर वाले रो में तीन था, फिर उसके नीचे वाले रो में एक था, फिर उसके नीचे वाला रो में तीन था, ठीक है। तो पहले वाला रो में तीन को ट्रेवर्स कर रहे हैं, ये पहला एलिमेंट हो गया। दूसरा को करने के लिए क्या करते हैं, जे को सिर्फ बढ़ाएंगे क्योंकि रो तो वही है ना, तो रो को सेम रखा, जे को इंक्रीमेंट कर दिया, और एक एलिमेंट को वहाँ पर हमें टारगेट करनी है। तो फिर रो तो वही रहेगा आई, फिर वहाँ पर जे को इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर वाले रो में से हमने तीन तो कर लिया, अब फिर एक नीचे वाले में से चाहिए था। तो नीचे वाले में से कहाँ चाहिए था, एक आई से भी एक नीचे आ रहे हैं, तो आई का में क्या होगा, आई में भी एक इंक्रीमेंट होगा, तो आई प्लस वन। और देखो जे में हम सबसे फर्स्ट एलिमेंट को नहीं कर रहे हैं, बीच वाले एलिमेंट को कर रहे थे, तो यहाँ पर जे में भी एक इंक्रीमेंट होगा, कर दिया जे में भी एक इंक्रीमेंट, ठीक है। अब देखो अब नीचे वाले में आ जाओ, नीचे वाले में जब आ रहे हैं तो आई में एक और इंक्रीमेंट हो गया, तो आई प्लस वन था पहले, तो आई प्लस टू हो गया, ठीक है। अब जे में तो फर्स्ट एलिमेंट ही था ना आई बनाना, देखो दिमाग में कंसीडर भी करते जाओ आई, तो वहाँ पर जे वाले का जे जीरो पर होगा, तो सिर्फ जे लेंगे क्योंकि यहाँ पर देखो जीरो है, ठीक है। और फिर अब रो तो सेम रह गया, लेकिन अभी हमें अपने कॉलन में ट्रैवर्स करना, तो कॉलन में ट्रैवर्स करने के लिए आई तो वही रहेगा हमारा, तो यहाँ पर आई का वैल्यू क्या था, आई प्लस टू है, और जे जे अभी था तो जे को प्लस प्लस वन कर देंगे। फिर और आगे बढ़ें तो अरे आई तो वही रखेंगे आई प्लस टू, और जे में क्या कर देंगे, जे प्लस वन था तो उसे कर देंगे जे प्लस टू, ओके। ये होगी हमारे समेशन फाइंड हो गए। अब क्या कर रहे थे कि देखो इंडिविजुअल समेशन तो हो गए, लेकिन हमें वो क्या करना है, स्टोर भी करते जाना हाईएस्ट वैल्यू के लिए। तो उसके लिए सिंपल कर लेंगे, जो हमने ऊपर में रिजल्ट माना था ना, तो रिजल्ट इज इक्वल टू मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन क्या करता है, कोई मैक्सिमम फाइंड करता है, तो किस में फाइंड करेंगे, कंपेयर हमेशा किस में, रिजल्ट में, क्योंकि जो इसमें वैल्यू स्टोर है और जो हम हमेशा नया सम में फाइंड करते जा रहे हैं उसमें, तो उसमें से जो दोनों मैक्सिमम होगा वो कहाँ स्टोर होगा, रिजल्ट में जाके स्टोर होते चला जाएगा। तो रिजल्ट में अगर हर बार रिजल्ट में स्टोर होते चला जाएगा जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, अगर रिजल्ट का वैल्यू मान के चलो कि चार है और यहाँ पर सम में आया तीन, तो जो रिजल्ट में था चार वो चार ही रहेगा क्योंकि वो चेंज नहीं होगा। अगर फिर बाद में अगर किया सम का वैल्यू आ गया सिक्स और रिजल्ट में उस समय चार है, तो दोनों में मैक्सिमम कौन है सिक्स, तो रिजल्ट में कौन स्टोर हो जाएगा, सिक्स स्टोर हो जाएगा। तो ऐसे ही हमेशा जो भी मैक्सिमम होगा उसी वही रिजल्ट में रहेगा। तो लास्ट में जब हम रिटर्न करने आएंगे तो उसको किसको रिटर्न करेंगे, जो रिजल्ट होगा उसको रिटर्न कर देंगे, ओके। तो रिटर्न कर दिया, देखो अब हो गई हमारे इंटर टाइप फंक्शन थी और हमने रिटर्न भी क्या किया रिजल्ट, तो रिजल्ट भी क्या था हमारा इंटर टाइप ही था, तो जो भी फंक्शन का रिक्वायरमेंट था वो हमने रिटर्न कर दिया, ठीक है। चलो देखते हैं आपका कोड को रन करके कि हमने सही किया कि नहीं, देखते हैं। ये समझ गए ना, आई आई जो देखो हमने कॉन्ग्रेचुलेसन हमें मिल गई कि हमने सही किया है। देखो बेसिकली हमें समझना क्या था, हमें बस ये पॉइंट समझनी थी, जो ये सम वाले फाइंड किया ना, ये आई आई कैसे निकाला ये समझनी थी, ये जो आई वाले फॉर्मेट था आई कैसे ट्रैवर्स किया, कि देखो आई को यहाँ पर सेम रखा, इसमें भी सेम रखा, इसमें तीन में सेम रखा, क्यों, क्योंकि पहले वाले में से तीन थे और फिर एक बीच वाले में से था आई बनाने के लिए मिडिल, तो आई प्लस वन जे प्लस वन कर दिया, फिर एक बार नीचे आया आई प्लस टू किया और फिर जे को जे फिर जे प्लस वन जे प्लस टू वहाँ पर ट्रैवर्स कर दिया, ओके। चलो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।